नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, आज के विश्लेषण से पहले एक देश की कहानी को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। राजनीतिक अस्थिरता से जूझते इस देश में जब जनता खुद को व्यथित महसूस करने लगती है तो इसका फायदा उठाने के लिए एक ऐसी पार्टी उभरती है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपना उद्देश्य बनाती है, देश की जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट करती है, लोगों में उत्साह का संचार करती है, साथ ही देश में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता के विपरीत एक सशक्त विकल्प बनकर उभरती है। लोगों को लगता है अब देश को बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। पार्टी में पीएम पद के दो दावेदार उभरते हैं, मगर एक 68 साल का नेता सबसे बड़ा पुरोधा बनकर आता है। यह पीएम खुद को राष्ट्रवाद के नायक के रूप में स्थापित करता है। खास बात यह है कि यह नेता देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनता है। एक शक्तिशाली देश इस पीएम के साथ पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है। तब इस पीएम को लगता है कि उसकी ताकत अपार हो चुकी है। पड़ोसी देश के साथ इसका सीमा विवाद होता है तो वही देश इसका सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरता है। इसी मदद और राष्ट्रवाद के नाम पर यह नेता अपने पूरे देश की जनता को भ्रमित करता है, सीमा के इलाकों के बारे में अपनी जनता को गुमराह करता है, मगर राष्ट्रवाद के नाम भ्रमित जनता को अपने पीएम की बात ही सच लगती है। बड़ी बात यह है कि यही देशभक्त लोग अपने पीएम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं। सीमा विवाद पर बातचीत की कोशिश होती है, पर पड़ोसी देश सीमा के उन इलाकों को अपना भूभाग मानता है और इस संबंध में वह बात भी नहीं करना चाहता है। ऐसे में उसकी अपनी पार्टी और विपक्ष के नेता इस पीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे ये किस देश और किस नेता की कहानी है, तो समझ लीजिए यह भारत के पड़ोसी नेपाल के पीएम ओली का कच्चा चिट्ठा है, जिसकी कारस्थानियों की वजह से जब भारत से उसके संबंध न केवल निचले स्तर पर चले गए हैं, बल्कि खुद पीएम ओली भी मुर्गी फार्म के मुर्गे बन गए हैं, जिनका कभी भी तिया पांचा नेपाल की सत्ता से हो सकता है। जिस चीन ने उसे पीछे से उंगली लगाई थी, वह अपना मकसद पूरा होते ही बैरक में लौट गया है या फिर जल्दी ही लौट जाएगा। पुष्पकमल दहल प्रचंड फिर से प्रचंड बनकर उभर रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओली लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। उन्होंने देश से जो वादे किए थे उनमें जुमले ज्यादा थे, राष्ट्रवादिता कम थी। केपी ओली फरवरी 2019 में दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक वे नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। केपी शर्मा ओली ने एक वक्त नेपाल को आत्मनिर्भर बनाने की शपथ खाई थी। उनका कहना था कि नेपाल को गरीब देशों की सूची से बाहर निकालकर उसे भारत के प्रभाव से मुक्त किया जाएगा, मगर आज ओली दोनों ही लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए हैं। हालांकि कहने को नेपाल पिछले दिनों गरीब देशों की सूची से बाहर किया जा चुका है, मगर जमीनी हकीकत उसके ठीक उलट है। यहां चीन ने बेतासा निवेश किया है। जिस भारत को नेपाल शत्रु मानने लगा था और उस पर एक्शन कर रहा था, उसकी वजह से नेपाली जनता आज महंगाई का सामना कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत कंपनियों की तरफ से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल कांग्रेस समेत कई दलों को बड़ी रकम में चंदा दिया जाता है, यानी राष्ट्रवाद और गैर राष्ट्रवाद की आड़ में जनता को पूरी तरह पप्पू बनाया जा रहा है। चंदे के इस धंधे में वामपंथी से मधेशी तक सब नंगे हैं, पर बावजूद इसके राष्ट्रवाद की अपनी अहमियत है, क्योंकि सरकार की सत्ता पर पकड़ का यही मजबूत स्रोत है। इसलिए राष्ट्रवाद को घी कपूर दिखाकर उसे चरम पर पहुंचा दिया गया है। लोग दो तरह के चंदे को भी राष्ट्रवाद और गैर राष्ट्रवाद के तौर पर देख रहे हैं, यानी आम जनता बंजर जमीन पर खड़ी है और यह हमाम में छप छप हो रही है। पर यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। यही देश साल 2019 में पड़ोसी देश से व्यापार पर रोक लगाता है, फलों सब्जियों से भरे ट्रकों को एक झटके में रोक दिया जाता है, मगर जुलाई 2019 में चुपके से व्यापार फिर शुरू कर दिया जाता है। दोनों देशों में व्यापार बदस्तूर होने लगता है, मगर राष्ट्रवाद के नशे में मदहोश जनता वास्तविकता से पूरी तरह अनजान है। नेपाल के कैलाली भंसार के प्रमुख कहते हैं कि उन्हें भारत खाद्य सुरक्षा विभाग पर पूरा भरोसा है, बिना भारत के आयात से उनके देश की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती है। यानी राष्ट्रवाद का यह वो पहलू है जहां पर ओली सीमा विवाद और खरीदारी साथ साथ चला रहे हैं। भारत में सीमा विवाद को लेकर नेपाल में आम जनता एक वक्त सड़क पर उतर आई थी। यह स्थिति विस्फोटक हो सकती थी, मगर अब मामले से ध्यान हटाने के लिए इसे दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। नक्शा विवाद में भारत के पक्ष में बोलने वाली सांसद सरिता गिरी को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। अब उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनाव में भारत से चंदा हासिल किया है,
जबकि सच्चाई यही है कि भारत की तरफ से नेपाल की सभी प्रमुख पार्टियों को चंदा दिया जाता रहा है। समाजवादी पार्टी भी दूध की धुली हुई नहीं है, मगर चूंकि राष्ट्रवाद घी कपूर की सुगंध ले चुका है, इसलिए सावन के अंधों को सब हरा हरा ही दिख रहा है। वैसे कहते यही है कि जब जागे तभी सवेरा होता है। शायद सरिता गिरी पहली ऐसी सांसद थी जो कभी नींद में थी ही नहीं, इसलिए वह अंत तक सत्य पर अड़िग रही। पर आज भी बहुत से नेपाली हैं जो राष्ट्रवाद की मरक मरीचिका में आंख कान बंद किए दौड़े जाते हैं। यह दौड़ चलती रहेगी क्योंकि देश कोई भी हो, वहां की जनता के लिए राष्ट्रवाद उनकी भावनाओं का हिस्सा होता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।